आदमी नहीं कुत्ते की तुम है जो 12 साल के बाद टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। मामा जी मुझे स्वर्गीय मामी जी की कसम, ये सब इन लोगों की टेढ़ी चाल है। तेरे क्रिकेट बाप अगर तूने अपनी ये लोमड़ी वाली चाल बंद नहीं की तो मैं तुझे मार मार के दुम्बा बना दूंगा। इडियट। माँ क्या मैं इस घर का कुत्ता हूँ जो भी आता मुझे लात मार के चला जाता है। अंकल खाना तैयार है, चलिए। और उस गधे को भी बुला लीजिए। गधे को भी चल गधे। तेरे खाने से पहले छोटा सा हो जाए एपेटाइजर। कम ऑन, ससुर और दामाद के बीच में ये शर्म और लिहाज किस लिए? ठीक है आप कहते तो आज आज नहीं और कभी पी लूंगा। आज भूख लगी है, बहुत ज्यादा खाना खाऊंगा। इतना कम? तुम्हारा शरीर डबल रोटी की तरह फूल रहा है। एक महीना डाइटिंग करनी है तुम्हें, वरना कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने कम करने कहा है। ये झूठ है, झूठ है। डॉक्टर ने कहा है? आप बीच में टांग मत अड़ाओ। हाँ। जो डॉक्टर ने कहा है वही होगा। लेकिन बेटे ये तुम्हारा पति है। हाँ, और पत्नी की तंदुरुस्ती का ख्याल रखना पत्नी का परम धर्म है ना। बेचारा भूखा रहेगा तो तुम पर पाप चढ़ेगा, बेचारा मर जाएगा। भूखा क्यों रखूंगी, मैंने इनके लिए खास जूस बनाया है। जूस है? जूस तो ठीक है, ये खाना नहीं चाहिए। जूस लेकर, जूस लेकर। विजय, पति पत्नी का प्यार क्या होता है ये दुनिया वाले आकर तुम दोनों को देखें तब पता चलेगा उनको। ये तो पता चल ही रहा है। ये रहा आपका जूस। 10-15 करेलों को निचोड़कर मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है क्योंकि डॉक्टर ने खास तौर से पिलाने को कहा है। ये नहीं, या। मैं करेले का जूस नहीं पीऊंगा। बेटे ये करेले का जूस तुम्हारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये दवा भी है और टॉनिक भी है। ये तुम्हें और मजबूत करेगा, पियो इसे। मैं सब नहीं पीऊंगा। इन्हें पीने के लिए कहिए ना पापा। बेटे ये करेले का जूस ही तो है, कोई जहर थोड़े ना। पियो, पिला बेटी, पिलाओ इसे। नहीं नहीं मैं खुद पीऊंगा, मैं खुद पीऊंगा, मैं खुद पीऊंगा। देखो बेटे कड़वा होगा तो सोने से पहले एक गिलास दूध का जरूर पी लेना।